बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम जय शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं वन प्लस वॉच के बारे में। तो वन प्लस वॉच के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से अजीबोगरीब चीज़ें अपने को सुनने को मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो वाली वॉच जो है वो रूमर्स के अंदर चल रही थी, लगातार जो है वो लीक भी होती जा रही थी, दुनिया भर की चीज़ें जो है वो आती जा रही हैं। और वन प्लस ने अपेरेंटली जैसे कि सारे सारे लीक्स रूमर्स को देखते हुए वॉच को अपने इंस्टाग्राम चैनल्स के ऊपर भी जो है वो लीक करना स्टार्ट कर दिया है, हल्के फुल्के थोड़े से टीज वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अपेरेंटली ना ही सिर्फ वन प्लस की तरफ से ये पहली स्मार्ट वॉच है बल्कि क्योंकि इसकी रिलीज डेट भी जो है पास आ रही है, तो ये जो है वो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंडर आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों वन प्लस वॉच जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाली है अपने एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि अपन जो है वो काफी ज्यादा टाइम से ये देखते हुए आ रहे हैं कि वन प्लस जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाली घड़ी रिलीज करने वाले हैं। उसके पहले उन्होंने वन प्लस बैंड भी रिलीज करा, वो भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा था, और अब जो न्यूज आ रही है सामने वो जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, और वो ये है कि वन प्लस जो है वो गूगल का वियर ओएस अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर यूज नहीं कर रहा है। अब ये वाली चीज़ जो है एक नई कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, क्योंकि तरीके से वियर ओएस की वजह से लोग जो है वो घड़ियाँ खरीद लेते हैं सारी की सारी कंपनीज की, मतलब फॉसिल वगैरह की घड़ियाँ भी एक बार को मैं वियर ओएस की वजह से खरीद लूंगा, ओप्पो वॉच जो आ रही है उसके अंदर वियर ओएस आता तो उसकी वजह से मैं उसको खरीद लूंगा, बट वन प्लस जो है खुद का एक आरटी ओएस जो है वो डिज़ाइन कर रही है। ये जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ज़्यादा प्रोसेस वगैरह नहीं खाता, और उसकी वजह से जो है अपेरेंटली जैसे इसका नाम जो है वो सजेस्ट करता है कि सस्ता सुंदर टिकाऊ बिकाऊ ओएस है, तो ये ज़्यादा अच्छी ना ही आपको ट्रांसिशन वगैरह दे पाएगा और ना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको इससे लगानी चाहिए। ये जो है वो एक स्मार्ट वॉच नहीं होगी इतनी ज़्यादा आफ्टर ऑल। तो ऐसा नहीं है कि वियर ओएस होना जो है वो कंपलसरी है एक स्मार्ट वॉच के अंदर, मतलब एक तरीके से अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भयंकर भयंकर बेस्ट सेलिंग घड़ियाँ हैं जिसके अंदर वियर ओएस नहीं आता है। जैसे कि मैं बात करूँ अपनी एप्पल वॉच की और सैमसंग की घड़ियों की, उनके अंदर जो है वो खुद का कंपनी का बनाया हुआ प्रोसेसर आता है, आपको एप्पल वॉच के अंदर जो है वो वॉच ओएस देखने को मिलता है और सैमसंग की घड़ियों के अंदर जो है वो टाइजन का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनके अंदर अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलपर का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से ऐप्स देखने को मिलते हैं। मतलब एप्पल की बात तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि एप्पल का अलग ही इकोसिस्टम चलता है और वो जो है उसको मेंटेन करके चलते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को, लेकिन अब अदर हैंड्स अगर मैं सैमसंग के टाइजन ओएस की बात करूँ तो टाइजन ओएस के अंदर भी इन लोगों ने वाकई में सारे के सारे झंडे गाड़ रखे हैं, ज़रा सी भी घड़ियाँ वगैरह जो है वो हैंग नहीं होती हैं और आपको ऐप्स का सपोर्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला देखने को मिलता है। लेकिन सैमसंग को ये सब करने में जो है वो टाइम लगा था। अभी भी अगर आप गूगल मैप्स जो है अपने फ़ोन के अंदर चलाते हो तो आपकी घड़ी आपको ऑटोमेटिकली नहीं बताती जैसा कि आपको वियर ओएस के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप मैप का नेविगेशन ऑन करते हो तो आपकी वियर ओएस वाली घड़ी आपको ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करके डायरेक्शन वगैरह बताने लग जाती है, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको गूगल मैप्स जो है वो परचेज करना पड़ता है सैमसंग की स्टोर से, जो कि थोड़ा सा वापस से इनकन्वीनियंस है। और काफ़ी ज़्यादा मेजर ऐप्स जो है आपको टाइजन ओएस के अंदर देखने को नहीं मिलते, मतलब सैमसंग जो ऐप्स आपको प्रोवाइड करता है अपनी गैलेक्सी स्टोर के अंदर आपको सिर्फ वही वाला ऐप्स देखने को मिलते हैं, और वहां पे मेरे ख्याल से वन प्लस जो है वापस से पीछे रह जाएगा। अगर एक बार को वियर ओएस देते तो वहाँ पे वो कंपटीशन ना ही सिर्फ उन वाली घड़ियों को दे पाता बल्कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो ख़त्म कर देता। बट अपेरेंटली नई सोर्सेज के हिसाब से पता पड़ रहा है कि ये लोग वियर ओएस इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये जो है वो बैटरी को नुकसान पहुँचाता, मतलब बैटरी जो है वो इतना सफिशेंट अपने को नहीं मिल पाती उसके अंदर, और उसकी वजह से अपन यूज़र्स ही जो है वो परेशान होते हैं, इसके लिए वो लोग जो है वो आरटी ओएस इसके अंदर डाल के दे रहे हैं। अब इसकी घड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगी वो 15 से 20 हज़ार के अंडर रहेगी, और 15 से 20 हज़ार के अंडर मतलब ये जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस है, अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है वनप्लस की तरफ से, लेकिन फिर भी 15 से 20 हज़ार एक नॉर्मल ज़्यादा स्मार्ट वॉच के लिए जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर आपको गैलेक्सी वॉचेस देखने को मिल रही हैं, और ना ही सिर्फ गैलेक्सी वॉचेस बल्कि एप्पल की खुद की वॉच सीरीज 3 भी आपको जो है वो देखने को मिल रही है। उसके अलावा ओप्पो की तरफ से भी आपको एंड्रॉयड वॉचेस जो है वो देखने को मिल रही है वियर ओएस वाली, और साथ ही साथ फॉसिल वगैरह की घड़ियाँ भी आपको 15-20 हज़ार के बजट के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर वन प्लस सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का फायदा उठा रहा है तो मुझे जो है वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, मतलब कि वन प्लस जो है वो ऐसा नहीं करेगा। या तो वो आरटी ओएस को इतना ज़्यादा लेवल्स के ऊपर अच्छा बनाए कि मतलब को ना ही सिर्फ अच्छे ट्रांजिशंस मिले घड़ी के अंदर बल्कि घड़ी जो है वो सुपर स्मूथ चले और सारे के सारे एप्लीकेशंस का सपोर्ट दे, आपको सारी के सारी एप्लीकेशंस ए से लेकर जेड तक उसके अंदर देखने को मिले, वैसा हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये वन प्लस की तरफ से पहला अटेम्प्ट है घड़ी के मार्केट में घुसने का, और मेरे ख्याल से अभी से ही ऐसा लग रहा है कि वो इसको बुरी तरीके से ब्लू कर रहे हैं। मतलब वन प्लस ने जो है वन प्लस बैंड निकाला है जो कि एक तरीके से रेडमी बैंड को जो है वो कंपैरिजन देता है, काफी शानदार वाली राइवलरी देता है, लेकिन अभी भी अगर मैं दोनों के दोनों बैंड्स को आसपास रखूं एमआई के बैंड को और वन प्लस के बैंड को तो भी काफी ज्यादा लेवल्स के ऊपर सुपीरियर दिखता है एमआई बैंड, और काफी ज्यादा लेवल्स पर सुपीरियर है उसके फीचर्स एज कंपेयर टू वन प्लस बैंड।
और अभी कुछ टाइम पहले तक ही जो है वो खबरें आ रही थी कि OnePlus जो है वो Google के साथ में काम कर रहा है वियर ओएस का एक ऐसा वर्जन डेवलप करने के लिए जो कि घड़ी के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा हो, और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो लगातार लेवल्स के ऊपर बढ़ती जा रही थी, हाइप जो है इस वाली घड़ी की लगातार लेवल से बढ़ती जा रही थी। ये वाली घड़ी जो है वो 8T के पहले से जो है वो टीज हो रही थी, सबको लग रहा था कि 8T के टाइम को लोग रिलीज करेंगे लेकिन नहीं करा, फिर सब लोगों को लग रहा था कि OnePlus बैंड के साथ में रिलीज करेंगे लेकिन वो भी OnePlus ने नहीं करा। तो ऐसे करते करते एक तरीके से हाइप बढ़ती जा रही थी और एक्सपेक्टेशंस जो है वो लगातार करके बढ़ती जा रही थी, और अब मुझे लग रहा है कि वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक तरीके से इस वाली घड़ी के लिए डूम साबित होंगी, क्योंकि ये वाली घड़ी जो है जरा सी भी एक्सपेक्टेशंस पे उतरेगी नहीं और अपेरेंटली सबके सब जो है वो बुरी तरीके से डिसअपॉइंट ही होंगे। हालांकि लगातार करके जो है इस वाली घड़ी के रेंडर्स वगैरह भी लीक करा है, अभी अनबॉक्स थेरेपी ने एक और इमेज जो है इस वाली घड़ी की रिलीज करी है जिसके अंदर ये वाली घड़ी एक तरीके से फुल लुक देखने को आपको मिल रहा है, सर्कुलर डिजाइन के साथ में दो बटन जो है आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक बटन के ऊपर जो है वो OnePlus लिखा हुआ है। इस वाली घड़ी का जो रूमर स्पेसिफिकेशन है वो है IP68 की वाटर रेजिस्टेंट आएगी, साथ साथ रैप चार्ज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, उसकी वजह से ये काफी ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगी, और साथ साथ SPO2 मॉनिटरिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी विद 24/7 हार्ट रेट। अब अगर ये लोग रैप चार्ज दे ही रहे थे तो घड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा तेज चार्ज होगी, तो मुझे लगता नहीं कि बैटरी वगैरह पे इतना ज्यादा कुछ असर पड़ता, तो इनको वियर ओएस ही दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा और ये लोग बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में गए। मुझे वाकई में एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छी घड़ी जो है OnePlus की तरफ से आएगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मैं अभी भी OnePlus अगर इस वाली वीडियो को देखता है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि दो वर्जन रिलीज कर दो, एक वियर ओएस वाला और एक नॉर्मल वाला अपने RTOS वाला, और जिसको जो खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। मतलब मैं 2-3 घंटे घटाने के लिए रेडी हूँ एक घड़ी के अंदर से अगर मुझे उसकी UI जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और अपेरेंटली घड़ी तेज तो चार्ज हो ही रही है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। बट OnePlus जो है वो लगातार करके टीज कर रहा है कि ये जो है वो बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस रहेगा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो देखते हैं कि 23 तारीख को जो है OnePlus 9 सीरीज के साथ जो है वो कौन सी घड़ी रिलीज कर रही है और ये जो है वो कैसी रहेगी। 3 दिन ही सारे बचे हैं इस वाली घड़ी को रिलीज होने में, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, और लाइक करना इस वाली वीडियो को, अगर पसंद नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मतलब ग्राफ देखो, काफी ज्यादा लोग जो है बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं और मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। शेयर सानिंग भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।